हेलो अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे आप लोग को हाइड्रोजन के बारे में, जो हमारा सेकंड चैप्टर है बुक सेकंड में हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे थे आप लोगों से। आप लोगों को मैंने हाइड्रोजन के बारे में बताया कि हाइड्रोजन एग्जिस्टेंस के बारे में बताया। इसके बाद हमने आप लोगों को बताया कि हाइड्रोजन के प्रिपरेशंस के बारे में, कि कैसे प्रिपेयर करते हैं प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। इसके बाद हमने आपको इससे शायद प्रिपरेशन से पहले मैंने बताया आप लोगों को कि हाइड्रोजन का प्लेसमेंट पीरियडिक टेबल में, इसकी प्लेसमेंट क्या होती है, कहाँ पर रखा जाता है। तो आज हम बात करेंगे आप लोगों को किसके बारे में, हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड्स, तो हाइड्राइड्स क्या होते हैं? मेनली हाइड्राइड्स होते हैं डाइहाइड्रोजन के साथ जब एलिमेंट रिएक्ट करता है H2 के साथ, जब पीरियडिक टेबल में जितने सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जब ये रिएक्ट करता है तब जाके हमारे पास हाइड्राइड्स बनते हैं। हाइड्राइड्स नॉर्मली तब जाके हम डाइहाइड्रोजन के साथ जब कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है तब जाके हमारे पास नॉर्मली क्या बनता है, हाइड्राइड्स बनता है। इनको हम कहते हैं हाइड्राइड्स। अब बात करते हैं कि ये हाइड्राइड्स कैसे बनता है। तो हाइड्राइड्स मेनली किस बेसिस पे बनता है आप लोगों को बताएं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे बनता है हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है कि किसी एलिमेंट के पास टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, किसी के पास क्षमता कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको कहते हैं। तो इसी के बेसिस पे आपका हाइड्राइड बनता है। और मेनली जो हमारे पास पीरियडिक टेबल में जितने सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 118 नॉन एलिमेंट्स, तो लगभग सभी एलिमेंट्स आपके हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब इन हाइड्राइड्स को मेनली हमने अपने कन्वीनियंस के लिए तीन कैटेगरीज में बांटा है, या तीन टाइप्स होते हैं मेनली। एक हमारे पास होते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स, दूसरे आयोनिक हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहते हैं इसको, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। दूसरा होता है हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड्स, या उसको मॉलिकुलर हाइड्राइड्स भी कहते हैं। और तीसरा होता है मेटेलिक हाइड्राइड्स या इंटरस्टीशियल हाइड्राइड्स। अब इन तीनों में ज़्यादा मतलब वास्ट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, बस अपने हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने इनको कैटेगराइज किया है कि मतलब हमारे पास मेनली हाइड्राइड्स के तीन टाइप्स होते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स और मेटेलिक हाइड्राइड्स। अब इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो पहले डिस्कस करेंगे हम आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में। आयनिक हाइड्राइड्स, या जिनको हम कहते हैं सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, तो आयनिक हाइड्राइड्स की जब हम बात करते हैं तो आयनिक हाइड्राइड्स मेनली हमारे पास ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, दैट इज अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जितने सारे हमारे पास हैं ये सब हमारे पास मेनली आयनिक सॉल्ट्स बनाते हैं। इनको क्या करते हैं कि ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं जब इनको हाई टेम्परेचर पे हम रिएक्शन करते हैं डाइहाइड्रोजन के साथ तो ये हमारे पास आयनिक सॉल्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें हमारे पास सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड या लिथियम हाइड्राइड, कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह के हैं। अब बात करते हैं, जब हमने कहा कि इनको आयनिक हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं, तो ये मेनली आयन्स फॉर्म करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। अब आयन्स फॉर्म करते हैं, इसका क्या एविडेंस है कि ये आयन्स फॉर्म करते हैं? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम हाइड्राइड की। हम लिथियम हाइड्राइड को जब मोल्टन स्टेट पे, लिथियम हाइड्राइड का लगभग मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 691 डिग्री सेल्सियस, इसका इतना टेम्परेचर होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये मोल्टन मोल्टन लिथियम हाइड्राइड है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब ये है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या चार्ज होंगे, या चार्ज होगा या आयोनिक है, इसीलिए तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं तो क्यों करेगा।
और लिथियम हाइड्राइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तब ये डाइहाइड्रोजन मतलब H2 मॉलिक्यूल लिबरेट करता है। अब ये H2 मॉलिक्यूल जब लिबरेट होता है तब ये एनोड पे जाके H2 मॉलिक्यूल हमें मिलता है। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि इसमें हाइड्राइड आयन का प्रेजेंट मतलब प्रेजेंस ऑफ हाइड्राइड आयन का हमें पता चलता है कि इसमें हाइड्राइड आयन प्रेजेंट है। इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि जो हमारे पास आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं, मतलब इसीलिए हमने इसको आयनिक हाइड्राइड्स कहा है। बात जब हम यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड की जब बात करते हैं तो लिथियम जो होता है मेटल वो सबसे पोलराइजिंग होता है, सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग कैरेक्टर लिथियम का होता है। तो इसीलिए जो हमारे पास लिथियम है वो मोस्ट लाइकली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब आयनिक होता है। लिथियम हाइड्राइड की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आयनिक होता है। जो हमारे पास लिथियम हाइड्राइड है वो बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में अपने ग्रुप्स के बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा आयनिक होता है, इसलिए लिथियम हाइड्राइड का हमने एग्जांपल लिया है। हम बात कर रहे हैं आयनिक हाइड्राइड्स की, तो ये आयनिक हाइड्राइड्स बनता कैसा है कि बात, तो ये हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बनता है जितने हाइड्राइड्स होते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड्स की जब बात करते हैं तो आयनिक हाइड्राइड्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी है उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब हाइड्राइड्स बनता है तब उनको हम कहते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लगभग वो होती है 2.1 के करीब। इससे कम वैल्यू वाले अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू वाले एलिमेंट्स के साथ जब हमारे पास हाइड्राइड्स बनता है तब उनको हम कहते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। फॉर एग्जांपल आपके पास लिथियम हाइड्राइड है, ये हमारे पास हाइड्रोजन से लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। कैल्शियम हाइड्राइड है, इसकी भी कम होती है। अब हमने बात की थी यहाँ पे लिब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, हाइड्रोजन होता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये आयोनिक है। तो हम अगर लिथियम हाइड्राइड को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 लिब्रेट करता है, ये H2 जाके एनोड पे हमें मिलता है। इसी से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं वो आयोनिक होते हैं। बात करते हैं सेकंड हमारे पास टाइप है कोवेलेंट हाइड्राइड्स। जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं वो मेनली पी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। पी ब्लॉक में जैसे हमारे पास ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 तक, ग्रुप 13 हमारा बोरॉन वाले फैमिली से लेके हेलोजन्स तक, फ्लोरीन वाले फैमिली तक, इस फैमिली में हमारे पास जो हाइड्राइड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती हैं मतलब इनमें जो डिफरेंस होती हैं लगभग कोवेलेंट हाइड्राइड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके बराबर ही होती है। लगभग जो हमारे पास कोवेलेंट अगर बोरॉन B2H6 अगर ये बनाता है मतलब ये है हाइड्राइड है तो इसमें हमारे पास बोरॉन और हाइड्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लगभग ऑलमोस्ट सेम होती है। इस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स को हम कहते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और इनके बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, मेनली वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेनली आपका डिस्टेंस पे मैटर करता है कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। ज़्यादा इसीलिए डिस्टेंस पे मैटर करता है, तो अगर एलिमेंट ज़्यादा बड़े होंगे या मतलब एक छोटा एक बड़ा होगा तो इसमें हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो ये वंडरवॉल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत
वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसीलिए जो हमारे पास ये जो हाइड्राइड्स हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ये मोनली वोलाटाइल होते हैं। क्या होते हैं? वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल मतलब ये जल्दी गैस फॉर्म में चला जाता है। वोलाटाइल्स मतलब जो जल्दी उड़ जाता है। जैसे हमारे पास केरोसिन है, वोलाटाइल होता है। केरोसिन को जैसे हम ऐसे ढक्कन खोल के रखेंगे तो वो हम ऐसे मतलब वो उड़ जाता है केरोसिन। या एग्जांपल हमारे पास जो हमारे पास घर में जो यूज़ होता है नेफ्थलीन बॉल्स, जो हमारे पास वॉशरूम्स में या कपड़े वॉशरूम में हम रखते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन करके वो ऐसे उड़ जाता है। इन टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स को हम कहते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स का एक कोवेलेंट हाइड्राइड्स का जैसे कि कैसे फॉर्म होता है, उनका एक मतलब फॉर्मूला है, वो XHN। X हमारे पास क्या है? P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट। और N क्या है? N हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, कि कितना मतलब इस मेटल के साथ कितनी वैलेंसी होगी उतना नंबर ऑफ हाइड्राइड्स जुड़ेगा, वो हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड्स का एक फॉर्मूला है। कुछ एग्जांपल्स देख लें, अगर अगर आप देख लोगे तो डाइबोरेन B2H6, B2H6 हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड का एग्जांपल है। हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड का एग्जांपल है। मीथेन हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड का एग्जांपल है। या PH3 फॉस्फीन, ये हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड का एग्जांपल है। या आपके पास वाटर ही आप देख लो, ये हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड का एग्जांपल है। जो कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं उसको हमने सब कैटेगराइज किया है, या मतलब सब कैटेगरीज किया है और कैटेगराइज किया है, और उनके तीन फॉर्म होते हैं, एक दो और तीन फॉर्म। पहला फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट फॉर्म, इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हाइड्राइड्स। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। और तीसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। चलो इसको हम डिटेल में एक एक करके अगर समझाएं, तो पहले हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। नाम से पता चलता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो मेनली जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 13 कौन सा ग्रुप हुआ? ग्रुप 13 है हमारे पास बोरॉन वाला फैमिली, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम वाला। जो हमारे ग्रुप ग्रुप 13 है वो इस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स बनाते हैं। और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। लेविस एसिड कौन से होते हैं? लेविस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को हम लेविस एसिड कहते हैं। ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। सेकेंड बात करें हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की, तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब प्रिसाइज नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मतलब बराबर, जितना चाहिए होता है उतना बराबर बराबर होता है, ना कम ना ज़्यादा, बराबर ही होता है। ग्रुप 14 के जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हमारे पास इस टाइप ऑफ हाइड्राइड बनाते हैं। ग्रुप 14 हमारे पास कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 14 हमारे पास कार्बन वाला ग्रुप है, कार्बन, सेलेनियम, जर्मेनियम, लेड वाला। ये हमारे पास ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज वाले हाइड्राइड्स बनाते हैं। थर्ड टाइप है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इनमें इनके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन है, मतलब इन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये मेनली कौन बनाता है? ग्रुप 15 और ग्रुप 17, ग्रुप 17 तक जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या बनाते हैं मेनली? ये हमारे पास क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, लोन पेयर होता है इनमें, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कहते हैं। तो ये था आपको आयनिक हाइड्राइड, ये था आपको कोवेलेंट हाइड्राइड्स के तीन सब कैटेगरी क्या था वो, उसके टाइप्स। बात करते हैं हमारे मेन उस पर आते हैं, तो बात करते हैं हम थर्ड टाइप की,
थर्ड टाइप की बात करते हैं जो है हमारे पास है मेटेलिक हाइड्राइड्स, या इनको हमने कहा था इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी। तो जब हम तो बात कर रहे हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स की, तो मेटेलिक हाइड्राइड्स कौन से ग्रुप से बनता है मेनली, तो आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को लेके। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हमारे पास डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक मेनली हमारे पास मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, ये मतलब डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं हमारे पास हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो डी ब्लॉक की जब आप बात कर रहे हैं तो डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स हमारे पास हाइड्राइड्स नहीं बनाता, जो बीच वाला मतलब बीच में हमारे पास कुछ ग्रुप्स हमारे पास हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, जिसको ना बनाने के कारण जिसको हम हाइड्रोजन गैप कहते हैं, क्योंकि ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं इसीलिए इनको हाइड्रोजन गैप कहा गया है। तो हाइड्रोजन गैप वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप सेवन ग्रुप एट और ग्रुप नाइन, ये हमारे पास जो डी ब्लॉक के ग्रुप्स हैं, ये हमारे पास ये जो 7, 8, 9 ग्रुप्स हैं ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, इसीलिए इन ना बनाने के कारण यहाँ पे एक टर्म उन्होंने मतलब साइंटिस्टों ने यहाँ पे एक नाम दिया है हाइड्रोजन गैप करके। ये हाइड्रोजन गैप नाम कहाँ से आया, क्योंकि ये जो जितने सारे ग्रुप्स हैं ग्रुप 7, 8 और 9 ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, इसीलिए इन पे हाइड्राइड्स ना बनाने की वजह से इनको हमने हाइड्रोजन गैप से नाम दे दिया कि ये लोग हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। जो मेटेलिक हाइड्राइड्स की बात, मेटेलिक हाइड्राइड्स पता बनता कैसे है मेटेलिक हाइड्राइड्स, तो हाई टेम्परेचर पे जब हम डाइहाइड्रोजन के साथ इनको रिएक्ट करते हैं तब जाके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये मेटेलिक हाइड्राइड्स का हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे मेटेलिक हाइड्राइड्स बनता है। तो ये था मेनली आपको हाइड्राइड्स के बारे में, जिनमें हमने तीन आपको मेनली मेन तीन टाइप्स ऑफ हाइड्राइड डिस्कस किया आप लोगों को, आयनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स और मेटेलिक हाइड्राइड्स के बारे में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक मॉलिक्यूल आता है हाइड्रोजन में, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2O से, वाटर मॉलिक्यूल। स्लाइड चेंज कर लूँ थोड़ा, वाटर मॉलिक्यूल जिसको हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लगभग वाटर की बात करें कि इसकी एग्जिस्टेंस की बात करें, तो लगभग हमारे यूनिवर्स में ज़्यादातर पोर्शन हमारे पास क्या है, हमारे अर्थ पे ज़्यादातर पोर्शन हमारे पास वाटर है। लगभग हमारे ह्यूमन के बॉडी में लगभग 65% हमारे पास बॉडी में वाटर है, और प्लांट्स की जब बात करें तो लगभग 95% प्लांट्स में क्या होता है, पानी होता है। वाटर को अगर केमिस्ट्री को लेकर बात करें तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर मतलब हमारे पास, या कॉमन सी बात यह है कि इजीली अवेलेबल है हमारे पास, तो इसीलिए हमारे या इजीली अवेलेबल है, पहला रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न है वाटर हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर में वो सारी खूबियाँ पाई जाती हैं जो एक सॉल्वेंट में होनी चाहिए, इसीलिए हम इसको वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है। जब ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डरलेस भी होता है। टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्टलेस होता है, ये ऑर्डर का कोई टेस्ट नहीं होता है। इसका हाई फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इसका ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। इन सब के होने का रीज़न ये है कि वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बहुत
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है, जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरा कोई एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बनाता है तब हम उस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल आपका ऑक्सीजन यहाँ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आता है, वो हाइड्रोजन के साथ हमारे यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हमारे पास हाइड्रोजन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ज़्यादा होती है या फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो ज़्यादा होती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होती है। तो ये मेन किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर्स के वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में या इसकी केमिकल कंपोजिशंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो। गो थ्रू द वीडियोस एंड गो थ्रू द नोट्स एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनलाइन सेशन राइट एट 5:30। थैंक्स फॉर द सेशन एंड थैंक्स फॉर द टाइम।